अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आ जाइए आज हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट पे आप सब लोग। तो आज हमने प्लान कुछ करा है छेना बनाने का। तो उसके लिए हमने दूध, 1 लीटर दूध था उसको हमने आधा नींबू डाल करके फाड़ दिया है। और ये देखिए हमने उसको फटे हुए दूध को एक दुपट्टा ये धुला साफ सुथरा, और उसी में हमने इसको बहुत कस के दबा करके निचोड़ लिया है। तो गाइज़ ये कस के निचोड़ लीजिएगा, जितना टाइट ये निचोड़ जाएगा उतना ही ये ड्राई हो जाएगा। लेकिन मेरा थोड़ा सा लूज़ रह गया था कि वो दुपट्टा कॉटन का है, पुराना था, वो फट भी गया बिल्कुल। तो जितना ये सूखा होएगा उतना ही टेस्टी बनेगा, उतना ही बढ़िया बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा ये। तो मेरा उतना क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गई। और इसमें थोड़ा सा मैदा मिला लीजिएगा या कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया। इसके लिए हमने ये पानी डाल दिया है, पानी करीब दो ग्लास डाल दिए थे, करीब 15-20 ये बन गए थे छेना। और उसमें हमने शक्कर डाल दी है, शक्कर भी करीब हमने उसी अपने देखिए शक्कर तो हम नमक है, शक्कर है, मिर्च है, ये तो हम हमेशा बताते हैं कि हर इंसान अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले, वो टेस्ट के हिसाब से डालिए। आपको ज़्यादा मीठा खाना बनाना है तो आप मीठा डालिए, आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल मीठा रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालिए। तो हमने शक्कर अपने हिसाब से डाल दी है, शक्कर अपने हिसाब से डालिए, आप लोग भी इसमें शामिल कर दीजिए पानी में। और फिर उसको खूब अच्छे से जितना मैश कर लेंगी हाथ से, उसको मसलती रहिए उस खोए को, वो जो फटा हुआ दूध है उसको। फिर बॉल बना लीजिए, बॉल बड़े साइज़ के नॉर्मल बनेंगे, बहुत ही बड़े नहीं, मतलब ठीक बनेंगे। और उसके बाद में फिर बना करके एक एक दो दो करके आप इस पानी में डालते रहिए। जब ये पानी खौलने लग जाए, काफ़ी देर तक खौल जाए, 10 मिनट तक, तब इस पानी में डालते रहिए और ये बहुत अच्छा पकता रहेगा। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको खौला दीजिए। सारे जो बॉल बना लेंगे, बॉल्स उनको डालने के बाद में भी 10 से 15 मिनट के लिए खौला दीजिए, तो ये सारे बस एकदम रेडी हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें केवड़ा डाल दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह से, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने यहाँ ज़रूर बनाइए, खाइए। और अब हम बनाने, अभी इसके बाद बनाएंगे दाल के पराठे और आम का पना। तो एक लोई का बनाते हैं, इसलिए हमने उसकी भी रेसिपी दी है कि बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं, और उसकी पूरी रेसिपी दे दी है, क्या क्या डाला है, कैसे करा है। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारे छेने बन गए हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने हैं। तो गाइस ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर देंगे, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं हमारे, वो लोग आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो देखते रहिए आप लोग, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए हमको इंशाल्लाह। और बस थोड़ा सा लेट हो गया हमारा वीडियो, आगे पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल के पराठे। तो हमने सोचा आप लोगों से रेसिपी शेयर करते हैं, और ये छेने बनाए हैं, छेने का भी आगे आप लोगों को दिखेगा मेरा। और सॉरी यार, एक हफ्ते 10 दिन के बाद में हम वीडियो बना रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है कि दिमाग ख़राब है, और बस वीडियो शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी आप लोगों को तो दिखानी है, मेरे फ्रेंड्स जो हमारे चाहने वाले हमारे व्यूवर्स हैं वो लोग कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों ने फरमाइश करी है। जो लोग फ़ोन पर बात करते हैं उन लोगों ने फ़ोन पर बोला हुआ है कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो चलिए, हमने कहा थोड़ा लेट हो रहा है गर्मी की वजह से। भाई किचन में तो गर्मी है ही है, फ़ैन भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। थोड़ा सा तो यार सुकून हो जाए, मगर बस अल्लाह की मर्ज़ी है, नहीं हो पा रहा है, इस कदर की गर्मी है। फिर भी आज बहुत हिम्मत कर ली है, बहुत सारे आम आए हुए हैं मेरे यहाँ घर से, और मेरी नंद ने भेजे हैं, मेरे घर से आए हैं, भाई आई ने भेजे हैं सब ने। और तो हमने सोचा आज उसका आम का पना बनाते हैं और चने की दाल के पराठे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब एक ये खाना, आप डिनर बोल लो, लंच बोल लो, ब्रेकफास्ट बोल लो, किसी भी टाइम आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी, बहुत यमी तैयार होता है। और ज़रूर बनाइएगा अपने यहाँ इंशाल्लाह। आगे चलिए देखते हैं। तो ये हमने दाल, जिसके लिए चने की दाल बॉयल कर ली है, इसमें हमने नमक, गरम मसाला और थोड़ा सा मिर्च पाउडर। नमक मिर्चा तो हमने बहुत बार बताया हुआ है, हर वीडियो में बोलते हैं कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, तो वो हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। गरम मसाला भी हमारा घर का बना हुआ है तो काफ़ी तेज़ है। तो एक हाफ स्पून डाल दिया था, टीस्पून बस। इसको बॉईल कर ली है अच्छे से, ये गल गई है दाल हमारी, और इसको अब हम पीस लेंगे मिक्सर में। पीसने के बाद में फिर बनाते हैं पराठे, आगे आप लोगों को दिखाते हैं अभी।
तो ये देखिए ये दाल मेरी पिस गई है बहुत ही अच्छी और एकदम ये ड्राई हो गई है, बिल्कुल ड्राई हो गई है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जब इसको आटे में भरेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगी, गीली हो जाएगी तो पराठा बनने में प्रॉब्लम करेगा, पराठा आप नहीं बना पाओगे। तो ये कोशिश करिएगा कि दाल आपकी गीली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी नॉर्मल रहे सूखी, तभी तो उसका बढ़िया सा वो जो बैटर बना के भरेंगे अंदर की फीलिंग तो वो तभी सही आएगी। गीली हो जाएगी तो आप पराठे में भरने के बाद में बेल नहीं सकते हैं, बेल ही नहीं पाएंगे। तो गाइस ये देखिए इतनी एकदम सूखी सी लग रही है ना ये, इसको आप जब ऐसे कर देंगे तो ये बिल्कुल एक जगह स्मूथ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ है। आप इसका कुछ भी शेप दे सकते हैं, ये देखिए है। तो आप इसको बनाने के बाद बहुत इजी वे पराठे बना सकते हैं, तो इतनी ही इसी हिसाब से तैयार करिएगा। ये देखिए ये दाल के पराठे और ये आम का पन्ना, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।